सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, ये दुनिया भर की नेवीज के द्वारा आमतौर पर दो अलग अलग प्रकार की सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अटैक सबमरीन्स और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों सबमरीन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अटैक सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स क्या है और इन दोनों में क्या फर्क है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं अटैक सबमरीन्स की। अटैक सबमरीन्स को मुख्य तौर पर कम दूरी वाले दुश्मन पर हमला करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसका इस्तेमाल दुश्मन की सबमरीन्स, सरफेस कॉम्बेटेंट्स और मर्चेंट वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर की नेवीज के द्वारा दो अलग अलग तरह की अटैक सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और दूसरी है कन्वेंशनली पावर्ड यानी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को SSN के नाम से जाना जाता है, जिसमें SSN का मतलब हुआ सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, और जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को SSKS के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हुआ सबमर्सिबल शिप हंटर किलर। और इसी वजह से अटैक सबमरीन्स को हंटर किलर सबमरीन्स भी कहा जाता है। और वहीं अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को मुख्य तौर पर लंबी दूरी वाले दुश्मन पर हमला करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और दुनिया भर की नेवीज के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी दो तरह की इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें पहली है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और दूसरी है कन्वेंशनली पावर्ड यानी डीजल इलेक्ट्रिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को SSBN के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हुआ सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर, और जबकि कन्वेंशनली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को SSB के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हुआ सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स। अटैक सबमरीन्स को कई अलग अलग तरह के मिशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस और सर्विलियंस, और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स अटैक सबमरीन्स की तरह पानी के नीचे ज्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं। इन सबमरीन्स को पानी के नीचे एक सीक्रेट पोजीशन पर दुश्मनों के वॉरशिप्स और टैक्टिकल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैनात किया जाता है। अटैक सबमरीन्स में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के मुकाबले में कम दूरी वाली क्रूज मिसाइल्स और अन्य मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में अटैक सबमरीन के मुकाबले में ज्यादा दूरी वाली क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अटैक सबमरीन्स के एंड्योरेंस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के मुकाबले में ज्यादा होती हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के मुकाबले में ज्यादा तेज गति से भी चलने में सक्षम होती हैं। और चूंकि अटैक सबमरीन्स को सर्विलियंस और इंटेलिजेंस जैसे मिशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो अटैक सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को भी ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को पानी के नीचे एक ही सीक्रेट पोजीशन पर तैनात किया जाता है, तो इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अटैक सबमरीन्स को ट्रैक नहीं कर सकती है। लेकिन ये दोनों ही सबमरीन्स अंडरवाटर टारगेट्स के साथ साथ लैंड टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हैं। और मौजूदा समय में इंडियन नेवी द्वारा 15 अटैक सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है और बाकी की 14 कन्वेंशनली पावर्ड यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। और अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो इंडियन नेवी मौजूदा समय में फिलहाल एक ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का इस्तेमाल करती है, और इंडियन नेवी के पास कोई भी कन्वेंशनली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स नहीं है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।